हेलो व्यूअर्स, मैं आज लेके आई हूँ सैमुअल टेलर कोलरिज की फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी जगह सिलेबस में होती ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। इस पोएम को समझने के लिए हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको ज्योग्राफिकली समझेंगे तो हमें एंशिएंट मैरिनर भी समझ में आएगा और उसकी यात्रा भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। एंशिएंट मैरिनर, ये पोयम जो है ये एक बैलेड के फॉर्म में है। बैलेड होता है अगर कोई स्टोरी पोयम के फॉर्म में या सॉन्ग के फॉर्म में सुनाई जाए तो दैट इज कॉल्ड बैलेड। इस पोयम में ये स्टोरी है सिन की, पाप की, पनिशमेंट की और उस सेलर के आत्मग्लानी की। इस पोएम में एक मैसेज है सभी रीडर्स के लिए कि कोई भी अगर किसी भी तरह का पाप करता है या बुरा काम करता है तो वो सजा से, पनिशमेंट से बच नहीं सकता। अब ये पोएम है उस एंशिएंट मैरिनर की जिसने शिप से यात्रा की और क्या क्या हुआ उसका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको इस ये जो अर्थ मैंने ड्रॉ की है इससे आपको देती हूं कि शिप जो है यूरोप से चला, आई थिंक स्पेन से चला और इस एरिया में जो कि टेम्परेट जोन कहलाता है, टेम्परेट जोन होता है जिसमें हवाएं अच्छी चलती हैं, मौसम अच्छा होता है, हरियाली होती है और शिप अच्छी तरह से चल रहा होता है। तो यहां से वो चलते हुए और सडनली एक तूफान आया और उस तूफान ने शिप को धक्का लगाया। शिप को धक्का इतनी तेज लगा कि धक्का लग के शिप पहुंच गया एंटार्क्टिक सर्कल में जहां बर्फ ही बर्फ है। द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज एवरीवेयर। कुछ नहीं दिख रहा था, न बर्ड, न कोई इंसान, न कुछ। सडनली उस शिप पे एक बहुत बड़ी चिड़िया जिसका नाम एल्बेट्रॉस, जिसके विंग्स 10 फीट वाइड होते हैं, वो एल्बेट्रॉस ने आकर के वो शिप पे बैठी। और जहां कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था वहां अचानक एक चिड़िया आके बैठी तो सारे जितने नाविक थे, सेलर्स थे, वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने उसको खाना दिया और वो दोस्त इतनी अच्छी बन गई एल्बेट्रॉस कि कुछ दिनों तक वो रोज शिप पर आकर के बैठने लगी। पर एक दिन अचानक इस हमारे हीरो एंशिएंट मैरिनर को कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी बो एंड एरो उठाई और उस एल्बेट्रॉस को मार डाला। जैसे ही वो मारा, अब आप देखिए ये शिप चल रहा है एंटार्क्टिक सर्कल में जहां बर्फ ही बर्फ है और वहां पर एल्बेट्रॉस के साथ ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो सेलर्स नाराज हुए उससे कि ये क्या किया तुमने। पर सडनली जैसे शिप की गर्मी थी, फ्यूल की गर्मी थी, उससे बर्फ पिघल गई, बर्फ टूट गई और शिप को आगे जाने का रास्ता मिल गया। रास्ता मिलते ही सेलर्स की ओपिनियन बदल गई एंशिएंट मैरिनर के लिए कि वो शायद कोई बुरी आत्मा थी, उसकी वजह से हम कष्ट पा रहे थे और अब हम अच्छी तरह से देखो हमें रास्ता भी मिल गया। और शिप जो है नॉर्थ की तरफ मुड़ा, नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ते ही वापस वो टेम्परेट जोन में आया। टेम्परेट जोन में आते ही फरो फॉलोड फ्री, हाँ बड़ी अच्छी वहां पे मौसम हो गया और शिप आगे चलते जा रहा था और सेलर्स ने एंशिएंट मैरिनर को माफ कर दिया। बोले नहीं नहीं तुमने ठीक किया उसे मार करके, वो शायद बुरी ही आत्मा थी। और सडनली शिप चलते चलते नॉर्थ में चलते चलते यहाँ आ गया इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आपको पता है सनरेज सीधी होती हैं, हवा नहीं चलती और बिल्कुल जहाज की जो रफ्तार थी बहुत कम हो गई, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। तो ऐसा लग रहा था शिप एक जगह खड़ा हो गया है। और वहां पर गले सूखने लगे गर्मी की वजह से, बहुत गला सूखने लगा,
बहुत परेशानी होने लगी है सारे सेलर्स को, सब जगह पानी था, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द बोट्स दैट श्रिंक, गर्मी की वजह से लोग मरने लगे, हालत खराब हो गई उनकी, परेशान होने लगे, और फिर से उन्होंने एंशिएंट मैरिनर को कोसना शुरू कर दिया, बोले क्योंकि तुमने उस एल्बेट्रॉस को मारा तो 9 दिन तक उसकी आत्मा हमारा पीछे करती रही और अब जाके वो हमको सजा दे रही है, और ये जो गर्मी और ये परेशानी है ये एल्बेट्रॉस की वजह से हो रही है, और गुस्से में आकर के बाकी सेलर्स ने इस एंशिएंट मैरिनर के गले में मरी हुई एल्बेट्रॉस की बॉडी को लटका दिया। अब गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो थोड़े दिनों में एल्बेट्रॉस की बॉडी सूख गई और वो नीचे गिर गई, तो सेलर्स ने कहा चलो चलो अब जो कर्स मिली थी वो खत्म हो गई। पर हुआ क्या था कि शिप जो है धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, वापस टेम्परेट जोन में आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, मौसम अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ और ये पोयम खत्म हो गई। लेकिन आपकी जो स्कूल में सीबीएसई सिलेबस में पोयम है वो सिर्फ वहां तक है जहां पे उसको गले में लटका दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समरी देख लीजिए पोयम की। उसने एक टेल सुनानी शुरू की, मौसम अच्छा था और शिप रुक गया आइसबर्ग्स में एंटार्क्टिक सर्कल के पास, उसके बाद एल्बेट्रॉस आई, उसके बाद आइस टूट गई मेकिंग वे फॉर द शिप, उसके बाद शिप हैड टू फेस सीवियर कोल्ड एंड मिस्ट, बर्ड अकंपनी करती रही, उसके बाद शिप आगे बढ़ा, सम डेज द शिप सेल्ड वेरी स्मूथली क्योंकि नेचुरली टेम्परेट जोन में था, फिर वो पहुंच गया इक्वेटर जोन में, सन वॉज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, सून द सेलर्स रियलाइज दैट द किलिंग ऑफ द बर्ड कॉज मिजरी टू देम, दे गॉट वेरी एंग्री विद द ओल्ड मैरिनर एंड कर्स्ड हिम फॉर व्हाट ही डिड, ठीक है। तो ये सारी पोयम है, इसको आप ज्योग्राफिकली समझिए, और अब मैं आती हूं इसके पोएटिक डिवाइसेस पे। इस पोएम में की खूबसूरती ये है कि इसकी भाषा में बहुत अच्छी पोएटिक डिवाइसेस यूज किए, जैसे एलिटरेशन, ओनोमेटोपिया, इंटरनल राइम, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिटरेशन, स्विफ्टली स्विफ्टली फ्लू, द फेयर ब्रीज ब्लो, द व्हाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, एनाफोरा है इसमें, बिलो द कर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप, तो ये एनाफोरा है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस जो है कॉन्सोनेंस का ऑपोजिट होता है, इट इज द इफेक्ट क्रिएटेड वेयर देयर इज अ रिपीटेटिव साउंड ऑफ वाउल, रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड, एंड एसोनेंस कैन बी अंडरस्टूड एज काइंड ऑफ एलिटरेशन। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस रेफर्स टू रेपिटेशन ऑफ साउंड इन क्विक सक्सेशन, कॉन्सोनेंस इज द ऑपोजिट ऑफ एसोनेंस, फॉर एग्जाम्पल, एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इन टू द सी, ही क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, ब्राइट एंड राइट हैव द सेम लास्ट कॉन्सोनेंस, फिर एलिजन है, एलिजन का होता है कि अनस्ट्रेस सिलेबस को, सिलेबल्स को हटा करके लिखा जाता है, जैसे इट क्रैक्ड एंड ग्राउंड एंड रोड एंड हाउल्ड लाइक नॉइजेस ऑफ अ साउंड, इट एट द फूड इट नेवर, ये देखिए ये सब जगह अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, नेवर हैड ईट, वीडियोस को पॉज करिए, स्लाइड्स को पॉज करिए और फिर पढ़िए क्या क्या मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हाइपरबली है, hyperbole as idle as a painted ship upon a painted ocean, water water everywhere, not any drop to drink, imagery hai, the ice was here, the ice was there, the ice was all around, inversion hai, instead of the cross the albatross about my neck was hung, theek hai, metaphor bhi hai, they coiled and swam and every track was a flash of golden fire, to itne sare isme poetic devices hain, summary maine aapko di hai, पोएम मैंने आपको समझा दी है अच्छी तरह से, ज्योग्राफिकली भी समझेंगे तो और अच्छी तरह से ये पोएम समझ में आएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल, और
इसको सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए अच्छी तरह से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।